गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए। आज का हमारा टॉपिक है संप्रभुता, उसका अर्थ, संप्रभुता के लक्षण और संप्रभुता के विविध रूप। एक राज्य के निर्माण के लिए चार प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है, जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। इनमें संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर राज्य को हम अन्य समुदायों से पृथक करते हैं। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो एक व्यक्ति के जीवन में प्राणों का होता है। संप्रभुता को हम अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहते हैं। ये सॉवरेंटी शब्द लेटिन भाषा के दो शब्दों सुपर और एनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ लेटिन भाषा में होता है सर्वोच्च शक्ति। सुपर एनस, सर्वोच्च शक्ति। शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से संप्रभुता के इसी अर्थ को वर्तमान में स्वीकार किया जाता है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता है। परंतु संप्रभुता के अर्थ को लेकर राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों में बहुत मतभेद है। इतना अधिक मतभेद है कि ब्राइस नामक विद्वान कहता है कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। आइए अब कुछ डेफिनेशंस देखें संप्रभुता पर, जो अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई हैं। संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बौदा ने की, और उन्होंने इस परिभाषा देते हुए कहा, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ग्रोशियस कहते हैं कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित न हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सकता हो। डिग्वी ने कहा, संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है। राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है, यह वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं। बर्गेस ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उसके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष व असीमित शक्ति है। विलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। इन परिभाषाओं में संप्रभुता शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है, परंतु सभी विद्वान संप्रभुता के संदर्भ में कुछ बातों पर एकमत हैं कि संप्रभुता एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति है। लेकिन इस परिभाषा में पूर्णता नहीं है। क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति, इसका मतलब है संप्रभुता के दो पक्ष हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है और शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को मनवा सकता है। व्यक्ति अथवा समुदायों द्वारा इन आज्ञाओं के विरुद्ध अन्यत्र कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। तो ये संप्रभुता का आंतरिक पक्ष है, जो राज्य की सीमाओं के भीतर रह रहे व्यक्ति स्थित संगठनों और संस्थानों पर लागू होता है। दूसरा पक्ष है बाहरी संप्रभुता,
बाहरी संप्रभुता का तात्पर्य है राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। एक राज्य को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह विदेशों में चाहे जैसे संबंध स्थापित करे। कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध या तटस्थता इनमें से किसी भी मार्ग को अपना सकता है। इसका मतलब राज्य विदेश संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूरी तरह स्वतंत्र है। वह चाहे तो किसी देश के साथ अपने संबंध स्थापित करे या ना करे, किसी के साथ युद्ध करे या संधि करे या तटस्थ रहे, ये उसके मनो इच्छा का भाग है। संप्रभुता के इन दोनों पक्षों की परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकता है। इस परिभाषा में आंतरिक संप्रभुता वाला पक्ष भी आ गया और बाहरी संप्रभुता का अर्थ भी आ गया। अब हम बात करते हैं संप्रभुता के लक्षणों पर। पहला लक्षण है निरंकुशता, एब्सोल्यूटनेस। संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है और जैसा कि संप्रभुता के इस अर्थ से ही स्पष्ट है कि यह सर्वोच्च शक्ति निरपेक्ष एवं निरंकुश होती है। संप्रभुता आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में निरंकुश एवं सर्वोच्च होती है। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखती है, शक्ति के आधार पर उनसे अपनी आज्ञाओं को मनवा सकती है एवं किसी के द्वारा भी राज्य की आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार बाहरी क्षेत्र में एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के संबंध में पूर्णतया स्वतंत्र होता है। वैधानिक दृष्टि से आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र में राज्य की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। तो ये लक्षण है निरंकुशता। दूसरा है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। मौलिकता का अर्थ है राज्य की संप्रभुता मौलिक है, किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदान की हुई नहीं है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि संप्रभुता प्रदत्त हो सकती है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि इसे देने वाली सत्ता या राज्य तथा संप्रभुता से भी ऊपर रहेगी और अपनी दी हुई वस्तु को उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार वापस लिया जा सकेगा। संप्रभुता की इस परिभाषा के अनुसार संप्रभुता से उच्च किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। तीसरा लक्षण है सर्वव्यापकता, ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस। संप्रभुता की सर्वव्यापकता का तात्पर्य है कि राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है और इनमें से कोई भी संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। यदि राज्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो इन विशेषाधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट है स्थायित्व, परमानेंसी। अनेक बार प्रभुसत्ता को एक सरकार विशेष का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा समझना भ्रमपूर्ण है। वस्तुतः संप्रभुता स्थायी होती है और संप्रभुता का अंत करना राज्य को ही समाप्त करना है। ब्रिटिश संविधान में राजा मृत हो राजा चिरायु हो, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग की जो कहावत प्रचलित है, वह सरकार और संप्रभुता के भेद को स्पष्ट करते हुए यही बताती है कि संप्रभुता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। न केवल सरकारों के परिवर्तन वरन एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेने से भी संप्रभुता नष्ट नहीं होती, वरन विजित राज्य की प्रभुत्व शक्ति विजेता राज्य के हाथों में चली जाती है। जब एक राज्य दूसरे राज्य पर अपना कब्जा कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है,
तो नियंत्रक नियंत्रण करने वाला राज्य उसकी संप्रभुता का अधिग्रहण कर लेता है। तो ये कोटेशन हमें याद रखनी, जो सरकार में और संप्रभुता में डिफरेंस करती है, राजा मृत है राजा चिरायु हो। नेक्स्ट पॉइंट है अपृथक्करणीयता। संप्रभुता राजा से अपृथक्करणीय होती है, अर्थात राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। संप्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है और उसे अलग करना आत्महत्या के समान है। प्राय ऐसा भ्रम हो सकता है कि किसी राज्य के एक खंड के पृथक होने से अथवा उसका कोई एक भाग किसी अन्य राज्य द्वारा जीत लिए जाने पर उस खंड अथवा भाग से संबंधित संप्रभुता उस राज्य से पृथक हो जाती है, किंतु वास्तव में इससे संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं होती, वरन संप्रभुता का हस्तांतरण मात्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, अनन्यता एक्सक्लूसिवनेस। इसका अर्थ यह है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभु शक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लेना राज्य के भीतर राज्य की मान्यता को स्वीकार कर लेना और राज्य की एकता को भंग करना है। यानी प्रभु शक्ति, राज्य की जो प्रभु सत्ता है वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था में निहित हो सकती है। एक से अधिक व्यक्तियों में संप्रभुता को बांटने का मतलब है अलग अलग राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करना। 7th पॉइंट है अविभाज्यता। संप्रभुता का एक अन्य प्रमुख लक्षण उसकी अविभाज्यता है। संप्रभुता पूर्ण है, उसे विभाजित करने का अर्थ उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना है। कालहन ने लिखा, संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम एक अर्ध वर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई संप्रभुता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रूसो ने ठीक लिखा है कि प्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है। इसी प्रकार गेटिल ने कहा कि विभाजित प्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वश्रेष्ठ सत्ता और एक ही समय पर एक राज्य में दो सर्वश्रेष्ठ सत्ताएं निवास नहीं कर सकती। तो ये इसके लक्षण हैं संप्रभुता के। अब हम बात करते हैं संप्रभुता के विविध रूपों पर। इनमें पहला रूप है औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता, नॉमिनल एंड रियल सॉवरेंटी। ये अंतर हमें संसदात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में देखने को मिलता है, जहाँ संविधान के द्वारा शासन करने की समस्त शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति को सौंपी जाती है, परंतु वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग कोई और व्यक्ति करता है। एग्जाम्पल, जैसे इंग्लैंड का संविधान इंग्लैंड में शासन करने की समस्त शक्तियाँ वहाँ के राजा को सौंपता है, या भारत का संविधान भारत में शासन करने की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति को सौंपता है, परंतु इंग्लैंड और भारत दोनों ही जगह शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो इंग्लैंड का राजा और भारत का राष्ट्रपति ये औपचारिक संप्रभु है और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वास्तविक संप्रभु है। ये डिफरेंस आपके इसमें है, औपचारिक और वास्तविक। दूसरा जो रूप है वो है वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता। एक राज्य के अंतर्गत कानून का निर्माण करने और उनका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे वैधानिक संप्रभु या कानूनी संप्रभु कहा जाता है। कानून का निर्माण करना और उसका पालन कराना, ये दोनों शक्तियाँ जिस व्यक्ति जिस संस्था के पास है वो वैधानिक संप्रभु है। यह वह संप्रभु है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। कानूनी दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता और ये धार्मिक आदेश नैतिक सिद्धांतों और जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सकती है। इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट को इसी प्रकार एक वैधानिक संप्रभु कहा जा सकता है। डाइसी इंग्लैंड के द्वार इस संवैधानिक संप्रभु के संबंध में लिखते हैं कि संसद कानून की दृष्टि से
इतनी सर्वशक्ति संपन्न है कि एक बच्चे को पूरी उम्र का, मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को राजद्रोही या अवैध संतान को वैध घोषित कर सकती है, अथवा उचित समझे तो किसी व्यक्ति को स्वयं से संबंधित मामलों में भी न्यायाधीश बना सकती है। इतनी शक्तिशाली माना गया है कानूनी संप्रभुता को। इसकी विशेषताएं देखिए, यह संप्रभुता निश्चित होती है, इसे न्यायालय स्वीकार करता है, यह किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित हो सकती है, ये निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि मान्य होती है। कानूनी दृष्टि से राज्य की इच्छा की घोषणा केवल यही कर सकती है। व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी संप्रभु से ही प्राप्त होते हैं, अतः स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को इस संप्रभुता के विरुद्ध कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, यह असीमित और सर्वोच्च होती। ये कानूनी संप्रभुता की विशेषताएं हैं। दूसरा रूप हम जो बात कर रहे हैं वो है राजनीतिक संप्रभुता, और ये जो शब्द है ये हमें समझ में आता है जब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में तो कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु में कोई अंतर नहीं है। सरकार बनाने वाले और सरकार चलाने वाले खुद जनता है। सरकार खुद अगर कानून का निर्माण कर रही है और जनता खुद ही कानूनों को लागू कर रही है, तो ऐसा जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वैधानिक संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु में कोई अंतर नहीं पाया जाता। जबकि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमें नजर आती है, जहाँ प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधियों के द्वारा कानून निर्माण किया जाता है, प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाता है। तो शासन करने की शक्ति जनता ने अपने प्रतिनिधियों को सौंप दी, तो जो प्रतिनिधि हैं वो तो हो गए कानूनी संप्रभु, लेकिन जनता जो है वो है राजनीतिक संप्रभु। जिसने शासन करने की शक्ति कानूनी संप्रभु को दी है वो राजनीतिक संप्रभु कहलाता है। तो हम स्पष्ट शब्द में अगर कहें तो कह सकते हैं कि जो निर्वाचक हैं, जो मतदाता हैं, जो जनता जनार्दन है, वही राजनीतिक संप्रभु है। डाइसी ने कहा कि जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उनके पीछे दूसरा एक संप्रभु रहता है, इस संप्रभु के सामने कानूनी संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता है, जिसकी इच्छा को अंतिम रूप में राज्य के नागरिक मानते हैं, वही राजनीतिक संप्रभु है। तो ये संप्रभु इतना शक्तिशाली है कि जिसको कानूनी संप्रभु को भी जिसके आगे झुकना पड़ता है, उस संप्रभुता का नाम है राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता की विशेषताओं पर अगर हम बात करें तो ये कानून द्वारा ज्ञात नहीं होती, यह असंगठित अनिश्चित होती है। संकीर्ण दृष्टिकोण से सोचें तो हम निर्वाचकों को राजनीतिक संप्रभु कह सकते हैं, लेकिन दलीय राजनीति, लोकमत और प्रचार के साधनों का भी वैधानिक संप्रभु पर नियंत्रण रहता है। अगर इन दोनों के बीच संबंध की बात करें कि वैधानिक संप्रभु और राजनीतिक संप्रभुता के बीच क्या संबंध है, तो जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्री शासन व्यवस्था है वहाँ पर वैधानिक और राजनीतिक संप्रभु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जनता खुद ही वहाँ पर कानून का निर्माण करती है और खुद ही उन कानूनों को लागू करती है। लेकिन जहाँ प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, जहाँ जनता के प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं, वहाँ पर राजनीतिक संप्रभुता और वैधानिक संप्रभुता अलग अलग होती है। जो जनता है वो राजनीतिक संप्रभु है, और जो व्यवस्थापिका है जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि बैठकर कानून बनाते हैं, वो संस्था वैधानिक संप्रभु कहलाती है। तो कानून निर्वाचक समूह की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए और व्यवस्थापिका सभा को सब तरह से उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। यदि व्यवस्थापिका ऐसा नहीं करती तो निर्वाचकों और व्यवस्थापिका में एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं रहता और उनमें परस्पर राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। वैधानिक संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु दो भिन्न वस्तुएं नहीं है, वे राज्य की संप्रभुता के दो पक्ष हैं। यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न मार्गों से होती है,
अतः इन दोनों के बीच अधिकाधिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं संप्रभुता का एक और रूप, जिसे हम लोक प्रभुता कहते हैं, जिसका विचार आधुनिक लोकतंत्र के साथ आया है और इस विचार को मध्य युग में मार्सिलो ऑफ पदुआ और विलियम ओकम के द्वारा जन्म दिया गया, परंतु इस धारणा का जो प्रबल प्रतिपादक है वह रूसो है, जिन्होंने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था और सामान्य इच्छा को ही जन संप्रभुता या लोक प्रभुता का नाम दिया। सामान्य इच्छा का तात्पर्य था सबकी इच्छा का वह भाग जिसमें सबका या सामान्य हित निहित हो, उसको सामान्य इच्छा का नाम दिया गया। और यही सामान्य इच्छा जनतंत्र के विकास के साथ साथ इस लोक प्रभुता के सिद्धांत को लोकप्रियता मिली और निर्विवाद रूप से ये कहा जाने लगा कि जनता जनार्दन ही लोक प्रभु है, जन प्रभु है। लोक प्रभुता के कुछ विशेष गुणों पर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं शासन का अस्तित्व जनहित के लिए होता है। जो शासन व्यवस्था बनाई जाती है वो तब तक ही चलेगी जब तक वो जनहित कर रही है। दूसरा, यदि जानबूझकर जन इच्छाओं की अवहेलना की जाती है तो क्रांति की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। जो जनता चाहती है, जनता का जैसा मानस है उसके अनुरूप अगर काम नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से जनता उनको उनके पद से हटा देगी। निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराया जाना, स्थानीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था इत्यादि ऐसे बिंदु हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि लोक प्रभुता के गुण क्या हैं। शासन के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, स्वेच्छाचारिता से नहीं। संविधान जैसा कहता है उसके अकॉर्डिंग शासन चले, जनता के हितों के अनुरूप चले, और ये जनता के हितों की यदि अनदेखी होगी तो क्रांति की संभावनाएं बनी रहेंगी। ये कुछ बातें लोक प्रभुता के अंतर्गत आती हैं। एक और रूप हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है विदित और यथार्थ। विदित डिजूरे और यथार्थ डिफैक्टो। जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होता है उसे हम विदित या डी जुएरे संप्रभुता कहते हैं। एक देश के अंतर्गत व्यवहार में अथवा वास्तव में जिस व्यक्ति द्वारा समुदाय द्वारा शासन किया जाता है उसे हम यथार्थ संप्रभु कहते हैं या डी फैक्टो सॉवरेंटी कहते हैं। एक डिफरेंस से आपको ये अंतर समझ में आएगा कि विदित और यथार्थ में क्या अंतर है। जैसे 1999 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार निर्वाचित सरकार थी, जिसे हम कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, विधि मान्य थी, यानी विदित सरकार थी, डी जूरे गवर्नमेंट थी। उस समय आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ जो हैं वो बगावत करके और नवाज शरीफ की सरकार को बेदखल कर देते हैं, अपदस्थ कर देते हैं और सत्ता अपने हाथ में लेते हैं। तो उस समय जब 1999 में परवेज मुशर्रफ के हाथ में सरकार का नियंत्रण होता है तो परवेज मुशर्रफ उस समय यथार्थ प्रभु संप्रभु हैं और नवाज शरीफ विदित संप्रभु। थोड़े समय बाद ये अंतर समाप्त हो जाता है जब परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में लोकप्रियता प्राप्त कर ली और स्वीकार्यता प्राप्त कर ली, संविधान में कुछ परिवर्तन करके उन्होंने अपनी उन शक्तियों का अधिग्रहण कर लिया और धीरे धीरे जन सहमति उनके प्रति बनती गई तो परवेज मुशर्रफ यथार्थ संप्रभु से विदित संप्रभु बन गए। तो इस उदाहरण से आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि वैधानिक संप्रभु या विदित संप्रभु और यथार्थ संप्रभु में क्या अंतर होता है और दोनों की डेफिनेशन क्या है। कानूनी रूप से, संविधानिक रूप से, निर्वाचित रूप से जिस जो व्यक्ति सत्ता का भोग कर रहा है, सरकार कर रही है, वह विदित संप्रभु है और जो शक्ति के बल पर सत्ता पर नियंत्रण कर लेता है
और अपने आदेशों की पालना कराने लगता है, उसे हम यथार्थ संप्रभु कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, आप 1917 में जब लेनिन रूस में क्रांति करते हैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। 1973 में अफगानिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ मोहम्मद दाऊद के विरुद्ध, उसको आप उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। या आप चिली का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या साल्वाडोर आयंद्रे की सरकार के विरुद्ध सफल विद्रोह करके जनरल पौनिचेत ने अपनी सरकार की स्थिति को यथार्थ संप्रभु के रूप में स्थापित किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संप्रभुता, इसको आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार करना चाहिए।